अचानक नागदेव के प्रकट होने वाली आवाज को लेकर क्षेत्र में हलचल मच गई है। उत्तर प्रदेश के एक अति साधारण परिवार में हुआ, पिता का नाम जिसका हरकेश सिंह, माता श्रीमती तारा देवी, पिता श्री हरकेश सिंह रेलवे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। रवि कुमार से प्रारंभिक शिक्षा मुरादाबाद में हुई, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज परीक्षा पंडरी बाबा के स्थान पर बड़ी धूमधाम के साथ महोत्सव मनाया गया है और सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ खबर आ रही है। पांच गांव को लेकर बिहार नवयुक्त सेना के तत्वाधान में होने वाली रैली को लेकर आज बरियापुर शिव मंदिर देवरिया जिले से इसकी खबर आ रही है, जहां पूरे देश में जोरों शोरों से CAA और NRC का विरोध जारी है, जिसको लेकर तमाम प्रदर्शन हो रहे। देवरिया के सलेमपुर निवासी पूर्व राज्यसभा सांसद आज मोहम्मद भी अपनी पत्नी के साथ CAA और NRC का विरोध कर रहे हैं। वाइल्ड एडवेंचर को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा ही यहाँ पर बोर जलाशय में आज से पर्यटकों के लिए ही वोटिंग शुरू कर दी गई है, जिसके दौरान खेल मंत्री अरविंद पांडे और जिले के मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित की खबर आ रही है। नगर के हरदोई रोड पर आज सभी चिकित्सालय सुविधाएं से लैंस हाईटेक अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। मेघोल औरंगिया क्षेत्र में स्थित सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज, पैरासोनी और कुशीनगर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के लक्ष्मीपुर संयुक्त छात्र छात्राओं द्वारा ही ईद बचाने का पर्यावरण बचाने का कार्यक्रम के तहत हकीरियाखाल के संस्कार पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें 75 बच्चों ने शानदार प्रस्तुति की। खबर आ रही है, प्रयागराज पुलिस पिटाई से नाराज लोगों ने शाहगंज थाने में किया घेरवा, थाने की तोड़ताड़ में इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। की खबर आ रही है, विधायक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से उपमंडल सलूणी में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि की। खबर आ रही है, विधायक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से उपमंडल सलूणी में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें की खबर आ रही है, हरचंदपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर टंडा गाँव के पास पेड़ों के झुरमुट यहाँ पर युक्ति के जले मामले में, जहां पर आपको पता चले IGS के भागल घटना के मौके पर निलंबित चले कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर सख्त और बेटिये के तमाम जनपदों में लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं लेकिन आपको बताते चले कि आश्चर्य की बात तो ये है कि दूसरी ओर बागपत जनपद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान का असर से इस वक्त की खबर आ रही है, मंडी में एक ही नंबर पर दो ट्रक मिले जाने पर हड़कंप मच चुका है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले, इस समय कोच की मंडी में हरी मटर का व्यापार चल रहा है। बंसूर कस्बे में एक रेडीमेड कपड़ा व्यवस्था युवा द्विवेदी सैनी ने दहेज मुक्ति शादी में एक नई मिसल पेश की। इस वक्त की खबर आ रही है, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में यहां पर निदेशक के निर्देश पर गल्ला मंडी शंकर जी के मंदिर के पास ही काफी समय से कब्जा कर कच्ची दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लेने की मेरी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मंडी समिति के यहां पर मंडी सभा SDM अशोक कुमार वर्मा की देखरेख में JCB मशीन से कब्जा करने वाली खबर आ रही है। बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल आपको बताया चले कि नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यापारी का दबा व्यापारी पर गोली चला दी। खबर आ रही है, त्याग और अपनी साधना के जैन धर्म का प्रचार करने के पश्चात विश्व भर में प्रसिद्ध तपस्वी सम्राट अर्चना समिति सागर जी महाराज का 82वां अवतरण दिवस मनाया गया है। नागरिकता को लेकर यहां पर नगरपालिका लगभग 3 दर्जन कार्यों का टेंडर 28 जनवरी को निकाला गया था, जिसमें लगभग 26 कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन इनका टेंडर अब निकाला जा रहा है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।